गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, परसों हमने कोपेंस का क्लासिफिकेशन देखा। होपफुली आपने उसकी टर्मिनोलॉजी समझ ली होगी और मैंने हिंदी में भी उसको ई कंटेंट करके लिख के डाला है। आज इस चैप्टर का लास्ट कंटेंट, सब कंटेंट रह गया, सब कंटेंट डॉक्टर आरएल सिंह के द्वारा जलवायु प्रदेश क्लाइमेटिक रीजंस ऑफ इंडिया बाय डॉक्टर आरएल सिंह। इन्होंने 1971 में अपना ये क्लासिफिकेशन दिया। इनकी अपनी एक बुक थी एडिट करी हुई, उसमें इस बुक का नाम है इंडिया रीजनल ज्योग्राफी। आपने देखी होगी, बहुत बिग वॉल्यूम है, कोई उसके 2500-3000 पेजेस की है। ग्रीन कलर की एक बुक मेरे हाथ में होती है ना। तो उसमें आप देखिए, इन्होंने स्टैम्प एंड कैंड्रू के ही क्लासिफिकेशन को संशोधित किया, मतलब संशोधित किया मीन्स इसको रिवाइज किया। ही हैज़ रिवाइज स्टैम्प एंड कैंड्रूज क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इसके जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, फिनोमिनाज हैं, वो हैं तापमान और वर्षा संबंधी आंकड़े। सेम दैर डॉक्टर आरएल सिंह ने टेम्परेचर और वर्षा को, यानी टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ही हैज़ टेकन ऑल डेटा ऑन द बेसिस फॉर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और इन्होंने इस प्रकार से भारत का सबसे गर्म महीना और सबसे ठंडा महीना इसको रखा, और उसके तापमान को रखा और वर्षा को रखा, और उसके डेटा को प्रयोग किया कि भारत के कौन से क्षेत्र में सबसे गर्म महीना कहाँ कहाँ किस किस जगह से है और सबसे ठंडा कहाँ कहाँ है। तो इस प्रकार से इन्होंने 10 क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडिया क्लासिफाई किए, 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा। पहला अति आर्द्र पूर्व उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अति आर्द्र मीन्स बच्चों एक्सेस ह्यूमिड, एक्सेस ह्यूमिडिटी वाला क्षेत्र, एक्सेस ह्यूमिड नदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें सेवन सिस्टर्स आ गई, यानी सेवन सिस्टर में सब समझ गए, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है, अब सिक्किम सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है, इसलिए मैंने रिटर्न में अलग से डाल दिया। मेघालय, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, दीज आर द सेवन सिस्टर्स। और इनमें सबसे गर्म महीना होता है एज़ यूजुअल, जैसे पूरे हिंदुस्तान में सबसे गर्म महीना होता है जुलाई, इस क्षेत्र में भी सबसे गर्म महीना होता है जुलाई। इसका एवरेज टेम्परेचर, ये टेम्परेचर आपको याद करना पड़ेगा फॉर क्लासिफिकेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आरएल सिंह, तापमान इस पर रखा इन्होंने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू 33 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ठंडा महीना डॉक्टर आरएल सिंह के अकॉर्डिंग हुआ अपना जनवरी का महीना, जिसमें टेम्परेचर होता है 11 टू 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट बात टेम्परेचर हो गया, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात हो गई है वार्षिक वर्षा, एनुअल रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल। समझ में आ रहा है, एवरेज एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्र इसमें आए हैं, ये इन्होंने शामिल किया है डॉक्टर आरएल सिंह ने। सेकेंड क्लासिफिकेशन है आर्द्र सह्याद्री और पश्चिमी तटीय प्रदेश। इसमें सह्याद्री इज़ द नेम ऑफ वेस्टर्न घाट्स, जो आपने मेरे फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा क्लासिफिकेशन, जब मैंने कराए थे इंडिया के फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, और गलती से बेटे सारे 10, 12, 18, 20 यूट्यूब के वो जो हैं वो मिसप्लेस हो गए हैं, आई डोंट नो, पर आप पढ़िएगा, नहीं समझ में आता तो फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो सह्याद्री इसमें वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न मार्जिन्स की माउंटेन हिल्स को बोलते हैं, जो कि बहुत ही शार्पन है, और उनका स्लोप जो है फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट साउथ से नॉर्थ ईस्ट है, यानी बॉम्बे के पश्चिम से बॉम्बे के पूर्व की तरफ ढाल है। यानी सारी नदियां तुमने देखी होंगी, नर्मदा है, नर्मदा है, ताप्ती है, ये सारी रिवर्स, नर्मदा ताप्ती तो वेस्टर्न घाट में ऊपर एस्चुरी बनाती हैं, पर जो जितनी गोदावरी है और कावेरी है ये सब पश्चिम से उधर निकल रही हैं और ईस्ट में जाकर इनका डेल्टा बन रहा है। देखो आप, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सबका डेल्टा ईस्टर्न साइड में बनता है, परंतु मैं महानदी गोदावरी को इसमें नहीं शामिल कर रही हूँ, मैं आपको कृष्णा एंड कावेरी की बात कर रही हूँ, जो कि पूरा पेनिनसुलर इंडिया या वेस्टर्न घाट का पोर्शन आपका स्लोप इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो आप समझ में आ गया सह्याद्री क्या है, माउंटेन पीक्स हैं। ये पश्चिमी घाट का मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान इसमें शामिल है। उत्तर में नर्मदा नदी है, इसमें दक्षिण में कन्याकुमारी है। इसमें जनवरी का तापमान 18 डिग्री,
से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब भारत के दक्षिण भाग में जनवरी में तापमान ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये कर्क रेखा के निकट है, कर्क रेखा के निकट है, और नीचे बिल्कुल सुदूर केरल वाला भाग आपका विषुवत रेखा के जस्ट पास में है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर इसमें विंटर्स में इंक्रीज़ होगा। जुलाई का तापमान 26 डिग्री से 32 डिग्री औसत के बीच में रहता है और औसत जलवायु, औसत रेनफॉल 200 सेंटीमीटर और उससे अधिक होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर और उससे अधिक होती है। तीसरा क्लासिफिकेशन है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, ह्यूमिड सदन डैश ईस्टर्न रीजन। इसके अंदर आपका जाएगा एमपी, ईस्टर्न एमपी, मध्य प्रदेश पूर्वी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और मैंने मैप जो दे रखा है उसमें देखिए आप तीसरा नंबर कहाँ का डाला है। इसमें एवरेज टेम्परेचर 12 से 27 डिग्री सेल्सियस होगा, और ये है आपका जनवरी का, और ग्रीष्मकाल का होगा 26 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस तक। और एनुअल रेनफॉल इसमें आएगी इन बिटवीन एन एवरेज एनुअल रेनफॉल, औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य, ठीक है। चौथा क्षेत्र देखो आप, चौथा क्षेत्र है उप आद्र मतलब सब ह्यूमिड, इंग्लिश वाले नोट कर लें, सब ह्यूमिड मध्यवर्ती प्रदेश मिडिल रीजन। तो इसमें आएगा उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और बिहार, जहाँ जनवरी का तापमान, बिहार इसमें मैक्सिमम आएगा बच्चों, है ना, जनवरी का तापमान 15 डिग्री से 19 डिग्री सेल्सियस और जुलाई का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ह्यूमिड आर्द्र बोला है ना, तो 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल इसमें होती है। पाँचवा है उपाद तटीय क्षेत्र सब एरिड कोस्टल रीजन्स, पाँचवा है सब एरिड कोस्ट सब ह्यूमिड कोस्टल रीजन्स, जिसमें पूर्वी तमिलनाडु का भाग, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग आएंगे। इसमें महीना मई का जो है बहुत हॉट होता है, यहाँ का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस रहता है, जनवरी का तापमान 20 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ वर्षा ऋतु में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत शुष्क होती है। वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से 150, मतलब समर्स टोटली ड्राई रहते हैं, क्योंकि ईस्टर्न घाट ये कोरोमंडल कोस्ट है ना ऊपर का, नॉर्थ सरकार कोस्ट, इसमें आपका रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती है समर्स में। यदि कभी आता है तो साइक्लोनिक डिप्रेशन से आपका उड़ीसा और कलकत्ता में बरसात होती है, आंध्र प्रदेश पूरा सूखा जाता है, ठीक है। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। और इसमें रेनफॉल एवरेज रेनफॉल मैंने 75 से 100 सेंटीमीटर आपको बताई है। अब छठा प्रदेश है, इसमें छठा क्लाइमेटिक जोन है, छठा जोन है इसमें उप आद्र महाद्वीपीय प्रदेश। उपाद मतलब वही सब एरिड, अब महाद्वीपीय होगा कॉन्टिनेंटल रीजन, बिल्कुल कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट बच्चों ये साधारण अर्थों में उसको ऐसे बोलते हैं जिसपे समुद्री हवाओं का, जिस भू क्षेत्र पे समुद्री हवाओं का कोई प्रभाव नहीं होता। तो यानी अपने आप जैसे सूरज बहुत तेज़ पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, सूरज बादलों में छुप गया तो ठंडा हो गया, मतलब जैसे हम कहते हैं दिल्ली का कोई तापमान नहीं है, तो इस प्रकार से हम इस क्षेत्र के लिए बोलते हैं ये महाद्वीपीय टाइप की जलवायु है। इस प्रकार के क्षेत्र में आएंगे गंगा का मध्यवर्ती भाग, यानी पूरा आपका बुंदेलखंड वाला हिस्सा, रुहेलखंड और बुंदेलखंड दोनों हिस्सा आएगा इसमें भौतिक विभाग के आधार पर। 7 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस जुलाई का टेम्परेचर होता है, जनवरी का टेम्परेचर होता है इसमें 7 से 23, ये ठंड बहुत होती है, और 26 से 33 डिग्री इसमें समर मानसून होता है, समर टेम्परेचर रहता है, और वार्षिक तापमान बहुत अधिक रहता है। यहाँ एनुअल जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत हाई रहती है, एंड एवरेज वार्षिक वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर होती है, 75 से 150 सेंटीमीटर होती है। अब बच्चों सेवंथ क्लासिफिकेशन रीजन है, क्लासिफाइड रीजन बाय आरएल सिंह, अर्धशुष्क उपोष्ण प्रदेश। अर्धशुष्क मतलब सेमी एरिड, उपोष्ण मतलब सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण होता है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल प्रदेश,
जिसमें आएगा आपका गंगा सतलुज विभाजक, यानी पूरा पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। यहाँ जनवरी का तापमान 15 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, बहुत चिल्ड, और जुलाई का तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। वार्षिक वर्षा यहाँ 25 से 75 सेंटीमीटर होती है, केवल बहुत कम वर्षा होती है 25 से 75 सेंटीमीटर, परंतु जो कुछ थोड़ी बहुत वर्षा होती है वो होती है शीतकालीन चक्रवाती वर्षा। और वापस बता रही हूँ, यहाँ पर शीतकालीन चक्रवाती वर्षा यहाँ कहाँ से आती है, एलिशियन एयरमास, जो यूरोप से होती हुई पूरा यूरोप क्रॉस करके ईरान पाकिस्तान क्रॉस होते हुए भारत के पश्चिम के किनारे पर आकर ये विंटर्स में वर्षा करते हैं, जिसको हम हल्की सी महावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महावट। ठीक है, तो अब है आठवां क्लासिफिकेशन का क्षेत्र अकॉर्डिंग टू आर एल सिंह, अर्ध शुष्क उष्ण प्रदेश। अर्ध शुष्क उष्ण प्रदेश में बेटा सेमी आरिड हॉट रीजन्स या ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? सेमी आरिड ट्रॉपिकल रीजन्स या हॉट रीजन्स। इसमें आएगा बच्चों गुजरात। देखिए, गुजरात से ही आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजर रही है, तो इसे हॉट बोला है मैंने। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र का पश्चिमी भाग पूरा इसमें आ जाएगा। इसमें औसत तापमान जुलाई में होता है, विंटर्स में विंटर्स में टेम्परेचर होता है 13-12 डिग्री सेल्सियस, और समर्स में जुलाई में टेम्परेचर होता है 26-34 डिग्री सेल्सियस। औसत वर्षा यहाँ रहती है 50 से 100 सेंटीमीटर। और शुष्क प्रदेश नौवां है इसमें, ड्राई रीजन, इसमें आपका पूरा राजस्थान का भाग आ जाएगा। नौवां रीजन देखिए, जिसमें मैंने मेरे डॉक्टर राजल सिंह के मानचित्र में देखिए, पूरा थोड़ा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर और मारवाड़ तथा रन ऑफ कच्छ इसमें आ रहा है, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा और रन ऑफ कच्छ इसमें आएगा। इसमें जनवरी का टेम्परेचर 6 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस विंटर्स का, और जून का टेम्परेचर यहाँ रहेगा 28 से 40 डिग्री सेल्सियस। बहुत हॉट समर्स रहते हैं। दैनिक तापांतर यहाँ पर बहुत अधिक होता है, दैनिक और वार्षिक दोनों, क्योंकि पूरा सूर्य क्या होता है, साल भर सीधा चमकता है। तापांतर हम कैसे निकालते हैं? किसी भी स्थान के अधिकतम तापमान को उसी स्थान के निम्नतम तापमान से उसको माइनस करते हैं, तो जो तापांतर आता है वो रेंज ऑफ टेम्परेचर कहलाती है। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस माइनस मिनिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ टेम्परेचर। ऐसे हम 12 महीनों का करते हैं उसी एरिया का, क्षेत्र का, तो वो एवरेज एनुअल रेंज टेम्परेचर हो जाती है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमारे वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, और कई स्थानों पर तो केवल 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब दसवां क्षेत्र है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आर एल सिंह क्लासिफिकेशन क्लाइमेट का, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। बच्चों इसमें पूरा देखो, 10 नंबर पूरा मानचित्र में देखो, ऊपर है जम्मू कश्मीर आ गया, हिमाचल का उत्तरी भाग, उत्तरांचल, फिर देन आपका नेपाल हमारे इसमें नहीं डालेंगे हम, ये पूरा हिस्सा सिक्किम का वेस्टर्न मार्जिन सिक्किम का टच करता है, तो यानी हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, इसमें टेम्परेचर होता है 13 से 18 डिग्री सेल्सियस जनवरी का, और कई जगहों पे तो माइनस डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है, पर एवरेज टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। देखो बच्चों, पश्चिमी हिमालय प्रदेश में आता है पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। अब ये पश्चिम में भारत का उत्तर मत समझ लेना, भारत के संदर्भ में हम बात नहीं कर रहे, ये हम एशिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि हिमालय किस में, पश्चिम में। और यदि भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम कहाँ आ रहा है, पूरा गिलगिट वाला क्षेत्र आ रहा है। ठीक है, गिलगिट रूपसा वाला क्षेत्र आ रहा है, जो हमने फर्स्ट फिजिकल डिवीज़न में किया है चैप्टर में। तो यहाँ एवरेज टेम्परेचर जो जुलाई का होता है बहुत कम, 13 से 18 डिग्री सेल्सियस, और जनवरी का तापमान यहाँ 0 से 4 डिग्री, और कई स्थानों पर तो माइनस, जो भारत में जैसे द्रास क्षेत्र है, द्रास में तो माइनस 50 डिग्री, 48-44 तो एवरेज रहता है, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह इसमें माइनस 50 प्लस होता है, मतलब ऋणात्मक 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत चिल ठंड।
और वार्षिक वर्षा यहाँ 150 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यहाँ ग्रीष्मकाल के मानसून द्वारा वर्षा भी होती है और शीतकालीन चक्रवात के द्वारा भी वर्षा होती है। और ऊपरी ऊंचाई जो उच्चावच वाले भाग हैं यानी हिमालय के जो ऊंची चोटियां हैं वहाँ आपका स्नोफॉल प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में होता है। प्रेसिपिटेशन मतलब संघनन की प्रक्रिया का जो रूप है उसमें वर्षा तो मुख्य है ही परंतु स्नोफॉल हिमपात भी बहुत बड़ा रूप है। और यही कारण है कि यहाँ धर्मशाला जैसा आपका वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया विश्व के अंदर तीसरे नंबर का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भारत का, ठीक है, ये इसमें डालेंगे। तो अब आप समझ जाएंगे इस प्रकार से डॉक्टर आरएल सिंह के द्वारा दिए हुए जलवायु प्रदेश। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक रुक के सुनिए और स्पष्ट कीजिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।